तो स्वागत है हमारा अपने चैनल सुबह टू फ्लिपर ब्लॉग्स में। और मैं यहाँ पर पर्वत पहाड़ियाँ घूमने के लिए आया हूँ और पर्वत पहाड़ियाँ बड़ी ही सुगम है, बड़ी सुंदर है। लेकिन यार यहाँ आने के बाद ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और पर्वत पहाड़ देख तो देख रहा हूँ, वैसे मन हो रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में चारों तरफ ही, और यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलते तो आप फ़ोन कॉल करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं और कई बार तो सिम भी यहाँ पर ब्लॉ नहीं चलती कहीं और की, लेकिन मेरी थोड़ी इशू के बाद चल जाती है। लेकिन अगर हाइट पे रहता हूँ तो चल जाती है, जब नीचे जाता हूँ तो नहीं चलती। लेकिन आपको ना साथ में जब चलोगे तो आपकी एक प्रॉब्लम और भी आएगी, वो प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ गधे घोड़े भी चलते हैं जो कई बार हो सकता है कि गिर जाते हैं वो, या आपके पैर पैर रख देते हैं जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है। और फिर यहाँ से बह रहा था झरना जो ग्लेशियर था, हमने इस ग्लेशियर में नहाया था और नहाने में हमें बहुत ही ठंडी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगी थी। हमारे तीन दोस्त थे, एक तो प्रिंस भाई थे हमारे पास, एक अभिषेक जी थे जो यूपी झांसी से हैं और हम हैं एमपी से। फिलहाल एमपी से हूँ मैं, तो यहाँ पर घूमने आया हूँ। मेरे दादाजी ने भी कहा था आप यहाँ घूम के आओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम चले जाते हैं। मेरा खर्चा तो गाइस बहुत ही कम हुआ, लमसम 3000 रुपये में मेरा पूरा निपट गया था, क्योंकि इससे सिर्फ किराया लगा, बाकी खाने को भंडारा है, रहने के लिए भी भंडारा है तो मिल जाते हैं। और यहाँ भंडारे ऐसे लगे हुए हैं कि कुछ मजबूत, आप यहाँ खाने की टेंशन और रहने की टेंशन तो छोड़ ही दो, मिल ही जाएगा आपको कुछ ना कुछ। और यहाँ पर वही जो मंदिर के बाजू से दुकानें लगती हैं वैसी दुकानें यहाँ पर भी हैं, जैसे कश्मीर की कश्मीरी के कपड़े हैं, माला है, कंठी है, जो कहते हैं स्मॉल डुप्लीकेट माली है, आप रुद्राक्ष मिलते हैं ओरिजिनल, लेकिन वो थोड़ी महंगे मिलते हैं, कॉस्टली है। और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे भंडारे, तो आपको टेंशन तो इस बात की होनी नहीं चाहिए खाना पीने की, तो आप कम पैसे में बहुत घूम सकते हो। हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आपको 13000 रुपये पर लग जाते हैं और 13000 एक साइड के लगेंगे, फिर वहाँ से 3000 रुपये और देने पड़ेंगे तो जो गुफा तक आपको छोड़ेगी। पर मैंने नहीं गया, मैं पैदल ही गया, घूमने के लिए आया ना इसलिए पैदल गया। 20 किलो का लेट लेके घूमा था मैं यहाँ पर, ये बालटाल का रास्ता है, बहुत ही मुश्किल है इसमें चढ़ना उतरना यार, मैं बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल वजन कम लेके चले ना तो ही बेहतर है, बाकी मैं तो वजन लेके चला था और इतना मुश्किल हुआ था ना मेरे लिए, तो मेरे सारे जो दोस्त साथ में आए थे वो सब आगे चले गए थे और फिर मैं बचा था अकेला। पर थैंक गॉड मेरे साथ मेरे दो दोस्त मिल गए थे, जो प्रिंस भाई थे, प्रिंस गुप्ता जी थे, और एक अभिषेक ठाकुर जी थे जो यूपी झांसी के हैं। फिर उनके साथ ही मैंने ये सफ़र कंप्लीट किया था अपना, और ये नीरज भाई हैं हमारे दोस्त ही हैं। और ये आर्मी वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो आपको अपनी सिक्योरिटी से लेके कोई प्रो नहीं होगी, और आपको नाइट में नहीं उतरने देंगे ये खुद भी, क्योंकि से यहाँ पर ना हमारे आने से पहले लैंड स्लाइड हो गया था, मतलब लैंड स्लाइड हो गया था जिससे कि पर्वत पहाड़ भिसकने लगे थे और उसमें से 2 लोग मर गए थे। तो एक की लाश मिल चुकी है लेकिन एक की नहीं मिली है, तो 150 या 100 लोग कुछ लगे हुए हैं आर्मी वाले जो ढूंढने के लिए। आपको ये झरना जो दिख रहा है ना, ये झरना वही मशहूर झरना है जो आपको वीडियो में दिखाया जाता है, ये वायरल झरना है, पर अभी इसको लगा दिया, कवर कर दिया गया है, क्योंकि उसे पत्थर, ये बारिश के साथ साथ ना पत्थर भी गिरते हैं जो लग जाते हैं, इसीलिए कोई नहीं हम चलते हैं और हम चल के आके बताते जाते हैं क्या हो रहा है। वैसे वादियाँ देखो आप कितनी प्यारी है ना, मन हो गया ना आपका भी, तो आप भी आइए यहाँ पर घूमने के लिए। और ये है वो गुफा जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं पूरी इंडिया से, इंडिया के हर एक कोने से आते हैं। और यहाँ बर्फ़बारी भी हो रही है, हम बर्फ़ में थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं हमारे दोस्तों के साथ, और ये खड़े हैं हम बर्फ़ में। यहाँ से झरने मिलते हैं आपको, पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो नदी है, जो झरने हैं ना, वो इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते जो आप डूब जाए या कुछ हो जाए आपके साथ। अब यहाँ हम कर रहे हैं थोड़ी मस्ती अभिषेक भाई के साथ, और यहाँ से फिर चल दिए हम, और ये है वो गुफा। तो गुफा के थोड़ी हम दर्शन कर लेते हैं, और पर बाबा तो मिलेंगे नहीं क्योंकि उससे वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं दर्शन करके आ जाते हैं। पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करते हुए यहाँ पर आना। मैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम से झूल रहा हूँ भाई, कसम से। चलो हम दर्शन करते हैं और अगले ब्लॉग जो भी होगा आप बताना कहाँ का ब्लॉग करना है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं आगे